हाँ जी, आज का सफर हम शुरुआत कर रहे हैं SSB सिलेक्शन सेंटर साउथ MG रोड। अब MG रोड से निकलेंगे, ट्रिनिटी होते हुए ये डोम लोर HCL होते हुए मरथली की तरफ जाएंगे। SSB जो है सिलेक्शन सेंटर पे आज सिलेक्शन है हमारे आर्मी के ऑफिसर्स, होने वाले ऑफिसर्स का, जो फ्यूचर ऑफिसर्स होंगे, इसलिए यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है इनके गेट पे। और क्या है, मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सर का। पता है इनके बारे में कहानी है, जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई आंख से आंसू ना आ जाए। तो फिर आप कहें, ये पोस्टेड थे 26/11, 26/11 में मुंबई जब ताज हमला हुआ था, कि वहां पे उनको ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। टेररिस्ट ने ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ था, ये टेररिस्ट से जूझ रहे थे, दोनों में चल रहा था फायरिंग। इतने में इनके टीम के काफी जवान शहीद हो गए थे। फिर इनके हेड ने, हम सबके देशवासियों के, जो आर्मी के हेड ने, इनको जब कॉल किया, उनसे पूछा कि संदीप, डू यू नीड एनी हेल्प, ये सीधा बोलते हैं सर, डोंट कम अप, आई विल हैंडल। पता है क्यों? तो उनको मालूम था टेररिस्ट ने ऑलरेडी जो है वो पोजीशन ले रखा, अब जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा। इस वजह से उन्होंने अपना जान वहां पे मातृभूमि को समर्पित करते हुए, लेकिन किसी और के जान को उन्होंने खतरे में नहीं डालने दिया। ये हमारे वीरता का एक, कहें कि वो ऐसा जवान, ऐसा मेजर आर्मी का, और ये एक्चुअली NSG में थे, और ये एक ऐसा जवान जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्हें आखिरी कॉल अपने वाइफ को किया। और यहीं पे कैप्टन विक्रम बत्रा का भी फोटो लगा हुआ है। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र हैं, मुझे मालूम है, ऑफ कोर्स पूरे भारत को उनके बारे में अच्छे से उनकी कहानी मालूम है, ऑफ कोर्स आपको भी होगी। तो आज इन लोगों को याद करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिनिटी सर्कल है, ट्रिनिटी चर्च ये का गेट आपको दिख रहा है, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, नाइस प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है।
अच्छा, ये खूबसूरत सी चीज, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग चाहें तो कमेंट में लिख के बताएं कि ये जो आपको ब्लर ब्लर कुछ दिख रहा है ट्रैफिक लाइट के साथ साथ, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, या इंटरफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये क्या है? एक्चुअली मैंने बीच में काफी बार ऐसा हुआ जब मैं बना रहा था वीडियो, तो बीच बीच में बारिश की वजह से, क्योंकि अभी बहुत तेज बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, इस बारिश की वजह से ना इस तरह का डिस्टरबेंस आता रहा, इसलिए मुझे बीच में थोड़ा सा काटना पड़ा एक क्लिप। सॉरी, मैं एक दिन दिन में बनाऊंगा तो अच्छे से बनाऊंगा। एक्चुअली ये मॉर्निंग का व्यू है जो बहुत खूबसूरत लगता है। चला तो हम 5 बजे से, ये 6 बजे मॉर्निंग के बाद का व्यू है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये बारिश के बाद जो आसमान पूरा एकदम खुलता है, एकदम कलर, वाह, पूरा साफ आकाश, पूरा अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। वैसे साफ तो होता नहीं, बैंगलोर में हमेशा पानी पानी जैसा रहता है, तो ठीक है, बहुत खूबसूरत सा ये रास्ता है, बेहद 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 खूबसूरत। जो मैं हमेशा इधर से आता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इधर एचएल की तरफ से होते हुए। देखिए, मजा लेते चलिए, क्या खूबसूरत नजारा है इस तरफ का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, खुले रोड। अच्छा, एक और आगे मैं दिखाना चाहूंगा कि आगे चल के दोनों एचएल में क्या होता है। अभी एचएल हम आए नहीं है, जब आएंगे थोड़ी देर के बाद, तो दोनों तरफ से पेड़ इतना डेंस है, इतना घना पेड़ है कि आप देखते ही मूड बन जाएगा कि बहुत खूबसूरत। मतलब मुझे तो गांव का याद आज मतलब याद आने लगती, कि गांव के मैं एक मेरे गांव से पास में ही, मेरे नेटिव के पास में लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पे, दोनों तरफ इसी तरीके से लगभग ऑलमोस्ट 800 मीटर तक इसी, अब देखिए स्टार्ट हो गया, तो इसी तरीके से पूरा डेंस। ये तो थोड़ा सा डेंस, अभी आगे चलेंगे बहुत ज्यादा डेंस हो गया। मतलब दिन में 1 बजे 12 बजे दिन में भी यहाँ पे रोशनी सुरुखी नहीं आ पाती है, इतना डेंस है। लाजवाब व्यू रहता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है, और दिन में ज्यादा मजा आता है। पूरा रात में तो पूरा अंधेरा लगता है यहाँ पे, वैसे ट्रैफिक लाइट रहती है तो ठीक है, हालांकि वैसे नहीं तो अगर लाइट ना हो तो पूरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे ट्री, मैं बार बार इधर उधर इसलिए करता हूँ आपको दिखा पाऊँ कि बैंगलोर में जो अभी भी मौसम का जो एक तरह से, मतलब कहें कि मौसम एक ही जैसा रहता है, उसकी वजह ये है कि ये हमारा ट्री, ये पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी जो है हर तरफ से, इसी वजह से अभी भी यहाँ बैंगलोर का मौसम ठीक ठाक है। हालांकि बाकी और शहरों का पॉपुलेशन बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, कारें ये सब बढ़ने से थोड़ा सा बेकार हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ, अब यहाँ चल की शुरुआत, और मैं अभी जाऊँगा अंडर पास, अभी नीचे जाऊँगा अंडर पास होके, उसके बाद जो व्यू आपको देखने को मिलेगा, वाह, मैं उस बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कुछ ना बोलूँ। और ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप सीवी राम नगर तरफ निकलेंगे इंदिरा नगर होते हुए, और राइट की तरफ जाएंगे तो आप इस तरफ से भी आप कोरमंगला तरफ जा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल भी है कोई, इस एचएल का शायद, तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। खूबसूरत इसलिए कि मतलब इलाज हो जाता है गरीबों का, सब लोग जाते हैं वहाँ पे इलाज कराते हैं, लोकल लोग भी जाकर कराते हैं, मैंने देखा है कभी, तो पता नहीं कैसे होता है लेकिन होता है। ये पूरा एचएल का एरिया है, अब देखिए क्या डेंस है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे वाह, ये ट्रैफिक लाइट इस तरह एकदम पुलिस की लाइट की तरह चुकमुक चुकमुक, पूरा एकदम ब्लिंकिंग हो रही, बिल्कुल ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग लाइट, लाजवाब लाजवाब, वाकई बहुत खूबसूरत, मजा लीजिए इस नजारे का।
ये हम माराथली के करीब बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से एयरफोर्स का जो रेसिडेंशियल एरिया होता है इस तरफ है, जो थोड़ा पीछे रह गया वो एयरफोर्स का कुछ था वहाँ, पता नहीं है कुछ कैंप जैसा कुछ। हाँ बाकी इधर रेसिडेंशियल एरिया भी है, और पर ज्वेलरी के इधर बहुत सारे बड़े बड़े मार्ट हैं। और अगर स्ट्रेट जाएंगे तो कुंदन अली, और 200 100 मीटर रहेगा आपको माराथली। और अगर स्ट्रेट जाएंगे लगभग आप कहें तो 500 मीटर से ज़्यादा, लगभग 800 मीटर और 1 किलोमीटर अप्रॉक्स कुंदन अली। दूसरे स्ट्रेट जाएंगे व्हाइट फील्ड लेफ्ट ले लेंगे, तो भी बहुत कुछ चीज़ देखने को आपको मिलेगा उस तरफ। कॉग्निजेंट जैसी कुछ कंपनी है, कंसेंट्रिक्स है शायद, कंसेंट्रिक्स नहीं है, कंसेंट्रिक्स और एक कॉलेज भी है। थैंक यू, आज तक का सफर यहीं तक, फिर कल मिलते हैं किसी और नए सफर में।